अनूपगढ़ से बड़ी खबर कांग्रेस नेत्री रामदेवी बावरी कर सकती है भीतरघात। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने समर्थकों के साथ शिमला नायक के प्रति व्यक्त किया रोष। कहा पार्टी ने कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप टिकट का नहीं किया वितरण। रामा देवी बावरी ने अपने समर्थकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी को एक बार फिर से टिकट पर करना चाहिए पुनः विचार। कहा शिमला नायक है दो बार हारी हुई प्रत्याशी और अब तक कांग्रेस को हराने का किया था काम। रामा देवी बावरी ने शिमला नायक पर तंज कसते हुए कहा कि शिमला नायक ने कांग्रेस पार्टी को हराने का भी काम किया था। रामा देवी ने कहा कि 3 तारीख को होने वाली बावरी समाज की बैठक में लेंगे कोई फैसला। रामा देवी बावरी कांग्रेस प्रत्याशी शिमला नायक का कर सकती है अंदरूनी नुकसान, पार्टी से कर सकती है बगावत। ब्यूरो रिपोर्ट अनूपगढ़, ज्योति न्यूज नेटवर्क। लगातार जिस आज टिकट मिला है जिस व्यक्ति को, उसने लगातार कांग्रेस को हराया है। यहाँ से हमारे यहाँ से कांग्रेस 20 साल से लगातार हारी है, जीती नहीं। और एक ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने पार्टी के लिए झंडे उठाए, पार्टी के लिए मेहनत की, उसमें मैं भी आती हूँ कि मैं जब प्रधान की दावेदार थी, मेरे भी कुछ साथी जीते हुए थे। 5 लोग हम लोग डायरेक्टर जीते थे, मेरे समेत 5 थे और मैं प्रधान बन सकती थी। लेकिन जिसको भी पार्टी ने सिंबल दिया, मैंने मेरे कार्य जो मेरे कैंडिडेट थे उनके साथ मैंने भी अपना समर्थन दिया और यहाँ से कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनाया और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। उसके बाद मैंने अपनी सच्ची निष्ठा से पार्टी की फिर सेवा की। कांग्रेस पार्टी अपनी माँ होती है, इसमें रहेंगे तो अपनी पार्टी के साथ रहेंगे तो अपना मान सम्मान हुआ। लेकिन जिस प्रकार से ये टिकट वितरण हुआ, सभी जो कांग्रेसी थे उनमें बहुत निराशा और दुख है कि कार्यकर्ताओं के अनुरूप उनको टिकट नहीं दिया गया पार्टी ने। और जहां बात करें समाज की, बावरी समाज की, तो पूरे राजस्थान में तकरीबन 15 से 20 लाख हमारे बावरी समाज के लोग रहते हैं और हमने 10 जगह से बावरी समाज ने कांग्रेस से टिकट की डिमांड की थी। हमारे गंगानगर जिले में लोकसभा की बात करें तो 2.5 लाख हमारे बावरी समाज के लोग रहते हैं। लेकिन मूलभूत कांग्रेसी होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने हमारे बावरी समाज को दरकिनार किया और अनूपगढ़ से मैं टिकट मांग रही थी, मुझे टिकट नहीं दिया गया और भी भाई टिकट मांग रहे थे। दुख की बात यह है कि जो अन्य टिकट मांग रहे हैं, मैं भी मांग रही हूँ, जिन्होंने पार्टी के झंडे उठाए हैं, पार्टी अगर उनको टिकट देती तो बहुत अच्छा था, निराशा नहीं होती। लेकिन जिसने लगातार यहाँ पर कांग्रेस की जो पार्टी को हराया है, नहीं उल्टा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी हराया, आज उनकी मान सम्मान को ठेस पहुंची है। आज कार्यकर्ताओं को कहीं जाने की जगह नहीं, वो सोच रहे हम क्या करें, क्योंकि पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को थोप दिया। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए कि बावरी समाज को भी एक टिकट, एक में हम 10 जगह मांग कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं 1 या 2 टिकट हमें देनी चाहिए थी। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखो अभी आज तो कार्यकर्ता वैसे ही आए हुए थे, मैं जैसे ही जब दिल्ली से यहाँ पहुंची तो कार्यकर्ता मेरे दुख के साथ आज ये साथ में है और हमने चर्चा की है। 3 तारीख को आगे हमने मीटिंग बिठाई है और 3 तारीख को बावरी समाज और सर्व समाज 36 कौम हम लोग 3 तारीख को बैठ के चर्चा करेंगे कि आगे हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, वो 3 तारीख को हम लोग मैम। बावरी समाज की बात कर रहे हो तो संतोष बावरी भाजपा ने करा, वो भी बावरी समाज से, और जो निर्दलीय भी खड़ी हुई है शिमला बावरी, वो भी बावरी समाज से ही है। देखिए हमारा बावरी समाज आज तक एकजुट रहा है और एकजुट रहेगा। हमारे समाज में एक ही बात चलती है कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी से कोई टिकट ले आता है तो समाज उसके साथ रहेगा, निर्दलीय का कभी साथ नहीं देगा। आज
संतोष जी को राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया और मैं भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रही थी। पूरा बावरी समाज मेरा वेट कर रहा था कि रामदेवी बावरी को हम लोग इस बार मौका देंगे, क्योंकि संतोष को एक बार मौका दे चुके हैं और इस बार हम रामदेवी जी के साथ में लगेंगे, वो मेरा वेट कर रहे थे। तो आप भी अपने बावरी समाज के समर्थकों के साथ संतोष बावरी का साथ देंगे? मैं तो मेरी पार्टी के साथ रहूंगी। मेरी पार्टी ने मुझे आज प्रदेश सचिव के पद पे नियुक्त किया है। संगठन में मैं हूँ, पार्टी को मजबूत करने का मैं काम करूंगी, लेकिन समाज क्या डिसीजन लेता है वो मैं मेरे समाज पे छोड़ूंगी, क्योंकि समाज से बड़ा मैं कुछ नहीं समझती, क्योंकि परिवार जो डिसीजन लेगा मैं उससे बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मैं मेरी पार्टी के साथ रहूंगी और कोशिश करूंगी कि जितना होगा यहाँ से हम पार्टी को मजबूत। आप प्रदेश सचिव होते हुए टिकट वितरण को गलत ठहरा रही हैं, तो पार्टी को मजबूत करने का काम किस प्रकार हुआ? देखिए, हम संगठन में हैं, आपकी बात सही है, लेकिन कुछ डिसीजन कुछ ऐसे भी होते हैं कि कई बार पार्टी किस दबाव में आई है, किस कारण आई है, वो आला कमान पे है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। पार्टी का कहना था 40,000 से कम वोट मिले उसे टिकट नहीं दी जाएगी, दो बार जो हार गया उसे टिकट नहीं दी जाएगी, बागी होने के बावजूद और विदेश विधानसभा में दो बार हार जाने के बाद शिमला नायक को टिकट दी। वही कारण कि आला कमान ने क्या डिसीजन लिया है, आला कमान के पास क्या रिपोर्ट की, क्या दबाव है, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन मैं यही कहूंगी कि जन भावना के आधार जो सच्चे कांग्रेसी हैं, जो 20 साल से हार का मुंह देख रहे हैं, जिसकी वजह से हार का मुंह देख रहे हैं, आज पार्टी ने उसको यहाँ उतारा है, तो मेरे हिसाब से ये कार्यकर्ताओं पे अन्याय हुआ है। तो मैम, जो समाज की आपकी बैठक है और समाज आपको कहता है कि जैसे भाजपा में संतोष बावरी कैंडिडेट है, जैसे बावरी समाज में, तो उसको समर्थन देने को कहता है, तो मैम आपकी तरफ से समर्थन जाएगा उनको? देखिए, ये समाज का डिसीजन है, ना मेरे कहने से समाज रुकेगा, ना मैं उनको रोक सकती, ना मेरे कहने से आपके समर्थन की बात की जा रही है जी, क्योंकि देखिए अब पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी, तो क्या समाज का साथ दोगी आप? मैं समाज अगर कहता है तो आपको देखिए, मैं समाज मानगढ़ लगभग 11 सीटें हैं और 11 सीटों को बावरी बाहुल्य खूब तादाद में है और 11 सीटों को प्रभावित करता है बावरी समाज। 36 कौम भी है लेकिन उसमें बावरी समाज भी उन सीटों को प्रभावित करता है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को भी पुनर्विचार करना चाहिए, हमारा एक हक बनता है। जिस प्रकार से रईस नगर से उन्होंने नायक समाज को उतारा है और यहाँ से बावरी समाज को अगर उतारते हैं तो दोनों सीटें जीतती हैं, लेकिन दोनों ही जगह इन्होंने नायक समाज को उतारा है, तो मेरे हिसाब से पार्टी को पुनर्विचार। मैडम, जैसे आप